आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जिला चिकित्सालय के प्रतिबंधित क्षेत्र से डीजे लेकर आने का वीडियो आया सामने। लोगों में वीडियो के बाद जमकर दिखाई दिया आक्रोश। जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को शोरगुल की समस्या से बचाने के लिए प्रशासन ने घोषित किया है प्रतिबंधित क्षेत्र। बैतूल के भगुडाना इलाके का मामला। बाइक चोरों के द्वारा बाइक की चोरी करने के पूर्व रैकी करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी कर रहे हैं बाइक चोरी के पूर्व रैकी। बैतूल के कलेक्ट्रेट रोड पर कल सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। एक दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल में शामिल हुए सैकड़ों कर्मचारी। बैतूल लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल अब भी जारी। शासन प्रशासन द्वारा नहीं ली जा रही है सुध। कल बैतूल के कलेक्ट्रेट रोड पर 19वें दिन भी जारी रही हड़ताल। लैब टेक्नीशियंस के द्वारा 13 सूत्री मांगों के समर्थन में की जा रही है हड़ताल। बैतूल के मुल्ला पेट्रोल पंप चौक का मामला। टैक्सी चालकों ने खड़ी गाड़ियों से सामान चोरी करने वाले दो लोगों को पकड़ा। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जाएगी जांच। बैतूल के सोनाघाटी इलाके का मामला। पारदीढ़ाने में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों ने पहुंचकर करीब 550 किलो महुआ लहान किया नष्ट। वीडियो आया सामने। मुल्ताई पूर्व बीएमओ को 7 साल की सजा। व्यापम मामले में कोर्ट ने पाया दोषी। विशेष सीबीआई न्यायालय ने सुनाया फैसला। पूर्व बीएमओ डॉक्टर पल्लव अमृतफले को विशेष न्यायालय सीबीआई भोपाल ने 7 साल के सश्रम कारावास की सुनाई है सजा। साथ ही 10,000 रुपए से किया है दंडित। मुल्ताई के सावरिया लॉन में एक दिवसीय हनुमंत के राम कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आयोजन के दौरान डॉक्टर अशोक हरिवंश ने सुनाई संगीतमय कथा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मुल्ताई गंगापुर में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का हुआ प्रारंभ। कल निकाली गई भव्य कलश यात्रा। इस दौरान शामिल हुए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु। मुल्ताई अनुसूया सेवा संगठन मुल्ताई के द्वारा मुल्ताई थाना प्रभारी श्री सुनील लाटा के पदोन्नत होने पर पौधा किया गया भेंट। संगठन के अध्यक्ष श्री कृष्णा साहू ने दी जानकारी। बताया मुल्ताई थाना प्रभारी को पर्यावरण संरक्षण का दिलाया गया संकल्प। आमला में चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। बेड़ी गांव का मामला। सूने मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 90,000 रुपए के जेवरात किए चोरी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। पुलिस द्वारा चोरी की इस घटना की जा रही है जांच। घोड़ाडोंगरी ग्राम पंचायत पांडरा में पानी की टंकी का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है पूरा। निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के विरोध में कल आम आदमी पार्टी ने किया जमकर प्रदर्शन। सारनी में कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे ने किया शुभारंभ। बैतूल जिले के विभिन्न शहरों के शासकीय कॉलेजों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत किए गए विभिन्न खेलों के आयोजन।
भैंसदई के तहसील कार्यालय का मामला। कार्यालय में संचालित होने वाली दुकानों को मिला नोटिस। दुकानदारों द्वारा स्वयं हटाई गई अपनी दुकानें। लंबे समय से किया गया है दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण। चिचोली ग्राम मंजीरा ढाना का मामला। पति ने पत्नी के साथ की मारपीट। कलयुगी पति के पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद घायल महिला ने थाने में पहुंचकर शिकायत कराई दर्ज। घायल महिला का पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया मेडिकल। आठनीर ग्राम धामोरी के माध्यमिक शाला के प्रतिभागी छात्रों को जन प्रतिनिधियों ने किया पुरस्कृत। प्रतिभागियों और विजेता छात्रों को उनके मनोबल बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया गया था आयोजन।